मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यकीनन ये गाना सुनकर अक्सर सिगरेट पीने वाले और हर तरह का नशा करने वालों को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता होगा। लेकिन आज वर्ल्ड टबैको डे पे हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नेशनल नो स्मोकिंग डे मनाना, एंटी टबैको डे मनाना क्यों ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो रहा है। आज हम कुछ की नोट्स पे बात करेंगे कि सिगरेट का धुआं या किसी भी तरह के तंबाकू का जो नशा है वो कितना खतरनाक है। आपको पता है जितने भी ये टबैको प्रोडक्ट्स हैं ये कम से कम हर साल 8 मिलियन लोगों की जान लेते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जितने लोग ख़त्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, अगली जनरेशन्स में से उससे डबल कंज्यूमर्स और कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं। मतलब सीधे सीधे हमारे बच्चों के ऊपर इनकी आँख है, बुरी वाली नज़र। जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में कम से कम 9 बिलियन US डॉलर स्पेंड करती हैं, और सारे विश्व में अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे 8 मिलियन जो लाइव्स हैं वो टबैको और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हाथों जान गंवा देती हैं। जितने भी ये इंडस्ट्रीज हैं, ये जो टैक्टिक्स अपनाते हैं मार्केट करने के लिए अपना प्रोडक्ट और बच्चों को, यंगस्टर्स को, एडोलेसेंट्स को ल्योर करने के लिए, उसमें क्या क्या कारण हैं, ये मैं आज यंगस्टर से भी बात करना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ें आपको लुभाने के लिए एक ट्रैप की तरह, एक जाल की तरह बिछाई गई हैं। ओवर 15,000 एंड मोर फ्लेवर्स, मोस्ट ऑफ विच अट्रैक्ट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस एंड मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड इवेंट्स एंड पार्टीज, स्कूल स्कॉलरशिप्स दे आर गिविंग, एंड स्लीक सेक्सी डिजाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन एंटरटेनमेंट मीडिया। आप देख रहे हैं जितने भी बच्चे हमारे आजकल नेटफ्लिक्स या और OTT प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उसमें इतना कॉमन है हर उम्र को बड़े मज़े से और बड़ी शो ऑफ के साथ कश लगाते हुए दिखाई देना। फ्री प्रोडक्ट सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन जगहों पे, क्लब्स, इंस्टीट्यूशंस, पार्क्स, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, स्कूल्स इवन, जहाँ पे ये बच्चे पाए जाते हैं। देन सिंगल स्टिक सिगरेट्स मेक एडिक्शन मोर अफोर्डेबल, सेलिंग प्रोडक्ट्स एट आई लेवल फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों की आंखों के सामने जो चीज़ें रहती हैं उनके थ्रू इनको कैसे प्रमोट किया जाए। और आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आने के बाद, डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद, तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये रिस्क बहुत बढ़ गया है। स्कूल्स हों, हमारे पार्क्स हों, प्लेग्राउंड्स हों, उनके नज़दीक आप होर्डिंग्स देखते हैं और हम सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स, कॉन्शियस कंसर्न पेरेंट्स, जो बच्चों के लिए हम इतना फिक्र करते हैं, हम भी उसके लिए क्या कदम उठाते हैं, कहाँ रोष प्रकट करते हैं, किन चीज़ों पे हम ऑब्जेक्शन करते हैं, हमें पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की जो जिम्मेवारी है वो हम क्या निभा रहे हैं, मैं इस पे ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। जितनी मैनिपुलेशन ये इंडस्ट्रीज कर रही हैं और एजुकेट कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, इंस्टिगेट कर रही हैं डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, हम उन कमर्शियल मीडियम्स को कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। सरकार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभा रही है, लेकिन हम सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। टबैको जो है वो ग्लोबली 25% कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें निकोटिन का यूज़ होना, टबैको के प्रोडक्ट्स का यूज़ होना, वो कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ और पल्मोनरी जो डिजीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है। और कहीं कहीं कोविड के दौरान जो हमने लेस ऑक्सीजन, लेस ब्रीदिंग, वो सारी जो चीज़ें, सफोकेशन एक्सपीरियंस किया है, हमें उसके बारे में, इस एनवायरनमेंट के बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज सिर्फ स्मोक ही नुकसान नहीं दे रहा, जो ये स्मोक फ्री है, सेकेंड हैंड स्मोक है, मतलब आप एक सिगरेट पी रहा है, साथ में बैठा हुआ जो वो स्मोक एक्सपीरियंस कर रहा है, इनटेक कर रहा है, इनहेल कर रहा है, उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। सॉल्यूशंस किस तरह से हो सकते हैं, मतलब मेरा मोटिव आज यहाँ कॉल टू एक्शन पे बात करना है कि सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात ना करें, कुछ सॉल्यूशंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
जहाँ हमारा कंट्रोल है, जहाँ हम निभा सकते हैं। मतलब अगर हमें अब ये सीक्रेट लीक हो ही गया है कि अगर 8 मिलियन लोग पर ईयर मर रहे हैं इससे, और अगली जनरेशन को अटैक करने की पूरी तैयारी की जा रही है और हमारी आंखों के सामने की जा रही है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं? उसमें सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी सेलिब्रिटीज़ और सोशल इन्फ्लुएंसर्स को है, जिन्हें ये ब्रांड एम्बेसडरशिप मिलती है और वो खुशी खुशी ले लेते हैं। तो प्लीज़, आपकी भी बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, ये हमारे किंग खान ने देख ही लिया है कि प्रोडक्ट्स को एम्बेसडर बन के प्रमोट करने का अपने घरों पे भी बुरा नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो बैन करें एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप बाय द निकोटीन टबैको इंडस्ट्रीज, एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और निकोटीन प्रोडक्ट्स की जो हो रही है उसको रोका जाए। फिल्म, टेलीविजन और ड्रामा प्रोडक्शन कंपनीज, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी लें, वो प्लेज करें नॉट टू डिपिक्ट टबैको यूज़ और ई सिगरेट यूज़ कॉमनली शोन ऑन OTT प्लेटफॉर्म इन ऑल द जनरेशंस। पेरेंट्स और रिलेटिव्स, हम अपने आप से शुरुआत करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, एडोलेसेंट्स को एजुकेट करें ऑन द हार्म्स ऑफ निकोटीन एंड टबैको प्रोडक्ट्स, एंड एम्पावर देम टू रिजेक्ट इंडस्ट्री मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन के बारे में अच्छे से सर्च करना, पढ़ना, समझना पहले हम पेरेंट्स की, एजुकेटर्स की, रिलेटिव्स की, एडल्ट्स की जिम्मेवारी है। नर्सिस एंड हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी में लोग काम करते हैं, वो बच्चों को जाके पेरेंट्स को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दें, इससे जुड़े हुए नुकसानों के बारे में बताएं, रिस्क क्या एसोसिएटेड हैं, स्कूल्स में इसके बारे में हम सेमिनार करें, हम बच्चों को 1-to-1 काउंसलिंग करें। जो स्कूल्स हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि वो अवेयरनेस रेज करने में बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन दिनों में सेमिनार करते हैं, बच्चों को इकट्ठा करके बताते हैं, और बच्चों से हम इस तरह से बात करते हैं कि उनको वो ब्लेम गेम या वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं लगे, उनके साथ हम कंसर्न होके बात करें कि अगर इनमें आप में से किसी को ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है या कर चुकी है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, तो हम आपके साथ हैं इससे बाहर निकालने के लिए, बिकॉज वी केयर फॉर यू, वी लव यू। और यूथ ग्रुप्स जो हैं, जितना हम अपना टाइम सोशल मीडिया पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे इधर उधर घूमने में बिताते हैं, अगर उसमें से थोड़ा टाइम कंसर्न एडल्ट्स, कंसर्न जो यूथ है, जो खुद बिल्कुल इनोसेंट है, सोबर है, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं हाथ से हाथ जोड़ के, एक साथ होके, कि अपने पीयर ग्रुप को एक मूवमेंट में शामिल करें और उनको एक टोबैको फ्री जनरेशन जो है वो आगे डेवलप करने में पूरे समाज की वो मदद मिल सके। इसी करें फॉर द एडॉप्शन ऑफ इफेक्टिव टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज इन आर कम्युनिटी, इसको प्रिवेंट करने के लिए। बिकॉज हम लोग जो एडल्ट्स हैं ना, वो हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक मेरे घर का मुद्दा नहीं है, तब तक मुझे इसके बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है। नेशनल और लोकल गवर्नमेंट्स, मुझे तो लगता है वैसे ऊपर से फ्लो नीचे को आता है, और सबसे पहले शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, परमिशंस गवर्नमेंट देती है, लीगल पेपर्स जो सेंक्शन करती है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, ब्रांड्स बन रहे हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट्स ओनली। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है रेगुलेटरी लूप होल्स की, उसको कंट्रोल करने में ध्यान दें, और बच्चों की जो जिंदगियां हैं वो इंडस्ट्री मैनिपुलेशन से ये लोग बचा सकें और रोक सकें यंगर जनरेशन को, कि वो इनका आगे शिकार होने से बच सके। तो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारी जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, ये सब तभी थोड़ा सा जागेगी अगर हम पेरेंट्स अवेयर होंगे, हम एज ए कमिटेड, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे, और एडल्ट्स हमारी फैमिलीज में जो भी स्मोकिंग का शिकार हैं, एडिक्टेड हैं और इसको फेवर और प्रमोट करते हैं, पहले उनका खुद को, अपने आप को इस चीज़ से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज नो स्मोकिंग डे पे एंटी टोबैको मूवमेंट चलाते हुए हम सब लोग एक ये कमिट करें कि हम अपने आसपास का जो भी, जितना भी दायरा है, जितनी पहुँच हमारी है, उसमें हम अपने प्रयास जो हैं वो निरंतर जो एक जारी रखेंगे, बिल्कुल निष्काम, निश्चल भाव से, कि इसमें मेरे को क्या मिलेगा ये नहीं सोचना है। हमारी आने वाली हर पीढ़ी जो है वो इसके खतरे में है। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन जिम्मेवारियों को ज़रूर निभाते चलें। शुक्रिया।